मुश्किली में वधारो थयो छे। आज मौलाना सहित त्रण आरोपीओ ने कोर्टे शरती जामीन आप्या छे। जो कि आरोपीओ ने एक केस में जामीन मळ्या तो बीजा केस में सकंजो कसायो छे। कच्छ पोलीस समख्याळी केस में ट्रांसफर वॉरंट ना आधारे मौलाना नो कब्जो मेळव्यो छे। 31 जानुआरी ना रोज कच्छ जिल्लाना भचाउ तालुकाना सामख्याळी खाते एक धार्मिक कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी एक हाजरी आपी हती। आ कार्यक्रम में मौलाना भड़काऊ भाषण आप्यु हतु। सलमान ने भड़काऊ उश्केरीजनक भाषण आप्यु हतु। त्यारबाद आयोजक अले मौलाना सलमान अजहरी विरुद्ध गुनो नोंधवामां आव्यो हतो। मैं शकील से एडवोकेट, आज जो मौलाना के सामने जो केस हुआ है उसमें गई कल नाबदार कोर्ट ने आज 4 बजे तक रिमांड दी हुई थी। उसमें 4 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने आज प्रोड्यूस किया कोर्ट को, उसमें कोई फर्दर रिमांड रखी नहीं हुई थी। जैसे ही देखा कि फर्दर रिमांड नहीं है, उसके बाद में हम लोगों ने बेल एप्लीकेशन मूव की और बेल एप्लीकेशन में हमने मुद्दे रखे कि किस तरह से बेल दी जाए और ये जो इनके ऊपर सेक्शन इम्प्लीट की हुई है उसमें कौन सी है सेक्शन और क्या है नॉन बेलेबल है और किस तरह से बेल देनी चाहिए। और दोनों पक्षों की दलील के बाद और हमने भी हमारी दलील में पॉइंट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट बोले, लो पॉइंट्स, और नामदार सुप्रीम कोर्ट और नामदार गुजरात हाई कोर्ट के भी जो जजमेंट्स है वो प्रेजेंट किए। और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नामदार कोर्ट ने जो एक्यूज है मौलाना और दूसरे दो एक्यूज उनकी बेल एप्लीकेशन ग्रांट की है। वो 15,000 रुपये की सिक्योरिटी देने के बाद में और 5 कंडीशन मेंशन की हुई है वो फुलफिल करने के बाद कोर्ट उनको रिलीज करेगी, बेल एप्लीकेशन ग्रांट हो गई। सर कोर्ट ने कौन से ऐसे मुद्दे बहस के बाद बेल देने का कौन से बहस? एक्चुअली जो ये सेक्शन है वो वैसे नॉन बेलेबल है मगर जनरली कोर्ट की प्रैक्टिस है और सीआरपीसी में प्रोविजन है कि बिलो 3 इयर्स प्रोविजन हो तो उसमें जनरली बेल ग्रांट करनी। और हमने ये जो केस बना है उसमें हमने पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बताए कि किस तरह से ये क्राइम प्राइमा फेसी नहीं बन रहा है, जो किसी का सेंटीमेंट्स हर्ट्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कोई भी एक इंसान का सेंटीमेंट हर्ट्स हुआ हो वो मौलाना की स्पीच से, वो कोई भी एक आदमी पुलिस के पास नहीं गई है या तो कोर्ट में भी आई नहीं है कि ये मौलाना की स्पीच से मेरे सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं। सिर्फ सेंटीमेंट्स हर्ट होने का इरादा है, वैसे जो कंप्लेन है तो इरादे के लिए कोई ऑफेंस नहीं होता है। सर राजकोट का ऑर्डर, राजकोट का आईओ ने नामदार कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन मूव की थी कि ये एक्यूज को जो दो एक्यूज है उनको राजकोट की जेल के बजाय जूनागढ़ की जेल के बजाय राजकोट जेल में भेजना, तो वो कोर्ट ने कंसिडर करी है और राजकोट जेल में भेजने का ऑर्डर किया हुआ है। वो एक्चुअली वो सब कोर्ट के प्रोसीडिंग्स है,